Hello, students. Let us see the analysis of chemistry shift 2 on 24th June, JE main paper. In chemistry, in inorganic chemistry part 1, that means in 11th chemistry, we are getting 6 cosines, and in inorganic chemistry part 2, 4 cosines, that is from

सो so, हर सेशन में मेटलर्जी से बच्चों एक क्वेश्चन तो आ रही है और कोऑर्डिनेशन से भी कंपलसरी एक क्वेश्चन तो आ रहा है और ग्रुप्स से भी दैट इज ब्लॉक्स एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक से भी कंपलसरी क्वेश्चन आ रहे हैं नेक्स्ट इफ़ यू कम टू आर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें लेवेंथ आर्गेनिक केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आया दैट इज़ फ्रॉम जी वन एंड आर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू ऑर्गेनिक से आठ क्वेश्चन आया है अब इसमें एक क्वेश्चन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल इथर एंड रिएक्शन मेकानिजम से एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन है और हाइड्रोकार्बन आल्न आल्किन आल्काइन से दो क्वेश्चन आया है और हर बार इससे एक क्वेश्चन तो मेरे जरूर मिलता है और पॉलीमर से एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स एमिनो एसिड्स एंड पॉलीमर्स ये तो कंपलसरी एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आ रहा है और कार्बोनाइल कंपाउंड से भी एक क्वेश्चन तो आ रहा है नेक्स्ट पीओसी ओ इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है अब फिजिकल केमिस्ट्री लेवेंथ फिजिकल केमिस्ट्री से सिक्स क्वेश्चन वी आर गेटिंग अब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर केमिस्ट्री से दो क्वेश्चन गैस स्टेट से एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन आया है दर्मो एंड दर्मो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है और फिजिकल केमिस्ट्री में पार्ट टू दैट इज ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री से तीन क्वेश्चन आया है इसमें से दो क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स और एक क्वेश्चन फ्रॉम एलक्ट्रो केमिस्ट्री एंड ओवरऑल पेपर हम देखेंगे तो इसमें पंद्रह कोशन्स एवंथ से आया है तेरह क्वेश्चनस ट्वेल्थ से हमको तो ट्वेंटी एट क्वेश्चन ही मिला है इसमें पंद्रह क्वेश्चनस एवंथ का है तेरह क्वेश्चनस ट्वेल्थ का है और वो दो क्वेश्चनस भी ट्वेल्थ का हो सकता है हमको नहीं मिला है और ओवरऑल आप देख सकते हैं परसेंटेज फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है ऑलमोस्ट एंड इसमें लेवल ऑफ़ दी क्वेश्चन आप देखेंगे तो इजी लेवल की क्वेश्चन तो चार है मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन तो उन्नीस है सॉरी नाइनटीन क्वेश्चन है एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन तो फाइव है तो हम डिफिकल्ट लेवल की बात करें यू कैन गिव दैट टू पॉइंट जीरो फोर डिफिकल्ट लेवल ओके स्टूडेंट्स आई होप यू एंजॉयड दिस थैंक यू